इंतजार है काश। अरे वह भाग्या भी क्या पता तबीयत तो क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा हूँ, उठाई नहीं पा रहा हूँ, घरे चल गए देख लिए क्या होगा। तो क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा हूँ, सवेरे दूध दरिया खाता हूँ के बाद उठाई नहीं रहो, क्या पता क्या होगा, बिल्कुल पलंग पे डरे तो डरे डरे होगी, मताई लगी चिल्ला भी के क्या होगा। क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी आओ सुनने कहीं घर उसे खेत से आओ सुनने कहीं दवाई का डॉक्टर है पकड़ लिया भैया, वो उठाई नहीं रहा बोल ही नहीं पा रहा क्या होगा। चलो चलो चलिए भर रही है एकदम बोल नहीं पा रहा हूँ, कछु का पति का होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, नेक चलियो जो बैग वेग ले ले खया ले नेक देख ले। ओके 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 चल ले चलो चलो चल रहे अपनी दवाई ले, हाँ दवाई ले ले जो लेने चलो चलो। यही है तुम्हारा घर? हाँ यही है साहब घर, यही है आपका? हाँ चलो चलो ठीक है, और मरीज कहाँ है? अंदर है? मरीज अंदर ले लिया डॉक्टर साहब मैं ले, चलो 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 हाँ डॉक्टर साहब भाग गए आओ, चलो चलो हाँ भाग गए आओ, हाँ डॉक्टर साहब आ जाओ भाग गए आओ, मरीज को छोड़ के होते अंदर क्या बैठे, तो आप उठा लो, आप उठा लो मेरे को मन नहीं पा रहा होते क्या गलत रात, आप उठा इतने घनसू क्या रे घनसू ज्यादा बीमार है क्या ये? हाँ घनसू इतने मरिया ज्यादा बीमार है क्या इतने को मरिया जो आ गए भैया वो बीमार हो रहा है देख नहीं पा रहा होते गैठे रह लो खज्जा में, क्या हो गया इसको जो देख डॉक्टर साहब बोला ही नहीं रहा वो कापते क्या खा रहा हूँ सवेरे दूध दरिया खा तो इन्हें ये क्या है ये क्या वो तो खातरा सालो बात ही नहीं माने, दिन भर तमाकू घसत रहा तो दिन भर तुम कत रहते थे देखो कितनों लगे कीचड़ बचा भी, और पानी इसी का पीते हो जो ये मोहिना तो है झाक के क्या वो भगवान सब देखत कल खुले में जाओ खुले में करके आओ, कैसा खुले में जाओ इतना ही हगन लगा इतना ही भले सोई को पी ले तो क्या है बस, इसीलिए तो आप लोग ज्यादा बीमार होते हैं। तो बीमार क्या डॉक्टर साहब वो कछु है ही इलाज वो का है बनवा बे की मिसल है नहीं है बनवाए अब देखे जब पैसा हल लगे ये क्या होगा भैया इसका ये क्यों ठंड लग रही है क्या आप जी डॉक्टर साहब राम राम जी बताओ वैसे आप लोग कितने भाई हैं? तीन भज्जा है राक साहब को एक तो जो बैठे और एक जो बैठे जो बड़ा भज्जा है हम सबसे हल्की है। प्रॉब्लम क्या है वैसे आपको? प्रॉब्लम ठंड लगा तो बुखार चढ़ जाओ तो रोज रात की रोज रात की आओ, तो तुम लोग ऐसे ऐसे ऐसा पानी पियोगे घड़े का तो तुम लोग तो ये तो क्या करें खुले में सोचन है नंगा खुले में सोच जा रहे हो तुम लोग आपके घर वाले भी सब यहीं पे जाते जो लेटर जी आए थे आप लोगों को पता नहीं चला अबे हम लोगों को कौन में बताई नहीं आती बताई सी जो भरे थे सो अबे नो कछु करे ही नहीं है प्रधान जी ने प्रधान जी को बुलवाया यार तुम्हारे प्रधान जी का तो अच्छा नाम है यार तुम्हारे प्रधान जी तो कह रहे थे हम सब जगह बनवा दिए पूरे नहीं नहीं प्रधान जी ने कछु नहीं करवा 8000 रुपए मिल रहे हैं उसमें पता तुम्हें 8000 रुपए मिल रहे हैं लेटरिंग बनवाने के लिए प्रधान जी से गई थी प्रधान जी कह रहे थे करवाए दे चलो ठीक है वो तो हो जाएगा तो तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ वैसे आपकी उम्र कितनी है? हमारी 36 साल है डॉक्टर साहब। इंजेक्शन से तो वो बेकार ड्रग ने का आराम से लगाइए एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा प्लस मैं इसको टेबलेट दे दूंगा तो ठीक हो जाएगा। डर तो भारी लगा इंजेक्शन लगवा लेकिन ठीक होने सुबह लगा तो इंजेक्शन आपको लगेगा प्लस आप ठीक हो जाएंगे ठीक है ना डॉक्टर साहब आराम से लगा दीजिए। ये कह रहा है आपको इंजेक्शन लगा दे रहे हैं हम प्लस आप टैबलेट और ले लें आपको टेंस है बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल निश्चित कर लीजिए ठीक है ना ये फिर कौन दवाई भी दे रहे हैं और इंजेक्शन जो आपको लगी चुका है भैया उठ जाओ थोड़ा सा आप उठ जाओ भैया थोड़ा सा भैया आपको ये यानी एक ये खाना है हाँ। और ये किसमें से खाना है हाँ। ये दो दो टेबलेट आपको सुबह सुबह दोपहर शाम खाना है सुबह शाम और दोपहर सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाना तीनों टाइम खाना तीनों टाइम खाना यानी कल तक की दवाई है कल मेरे को फिर से दिखाएं आप ठीक है ना
ओके कितने एकड़ पर जा हो गए पैसा आपके हो गए 200 का हो गया लाख साहब 200 का कुछ ज्यादा नहीं 200 रुपए आप ये बताओ मैं 100 रुपए तो वैसे फीस लेता हूँ लो डाक साहब जी 200 रुपया और मैं आपको एक काम बता रहा हूँ मैं अभी प्रधान जी को फोन लगाता हूँ प्रधान जी आपकी अभी यहीं पे आ रहे हैं अच्छी अच्छी अच्छे संपर्क है आपके प्रधान जी से अभी प्रधान जी को फोन लगा रहा हूँ हाँ प्रधान जी कहाँ हैं आप अरे तो थोड़ा सा यहाँ पे आइए बस्ती में हाँ जल्दी आइए कितना टाइम लगेगा आपको 10 मिनट चलो मैं 10 मिनट बैठा हूँ आप करंट में यहाँ पे आइए आप यहाँ का गंदगी और यहाँ पे आप देखिए यहाँ क्या है यहाँ पे सिस्टम यहाँ कितने मरीज बीमार हैं तुम टेंशन नहीं लो बिल्कुल प्रधान जी 10 मिनट में आने वाले हैं भैया हाँ साहब देखो अभी यहाँ जब भी वो जैसे ही आ जाए यानी कि मैं उन्हीं के लिए वेट कर रहा हूँ तुम्हारे मरीज का तो इलाज हो गया हाँ, उन्हीं का वेट कर रहे हैं अपन जैसे ही वो आए मैं उन्हें समझा दूँ ना थोड़ा सा वो ठीक रहेगा ठीक है ना आ गए प्रधान जी गेट खोलो प्रधान जी प्रधान जी हाँ प्रधान जी और डॉक्टर साहब बस बस यार वो थोड़ा सा इनके इलाज करने आया तो मैंने फोन लगाया तो मैंने कहा प्रधान जी को बुलाओ यहीं पे गेट लगा देगा नहीं कहा जाए कि भैया आप देखें आप अपने आंखों से देखें तो आपको लगेगा सही बात भाई हम वैसे अपने मुंह से कहें तो अच्छा ही लगेगा बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे मोहल्ले में घूम रहे हैं अरे वो क्या हुआ भैया जी गए थे कि इन्होंने कहा भैया जी तबीयत ज्यादा खराब थी तो वो भैया लेटा हुआ है तो खैर उसको थोड़ा आराम है भैया आओ थोड़ा यहाँ पे आप बताओ प्रधान जी को और क्या है क्या हो गया तबीयत खराब हो गई कैसे हम तुम लोग इतना समझ में परेशान हो गए कि घर पे देखो शौचालय बनवाओ तुम बाहर ही में खुले करोगे ठीक है मक्खियाँ घूमेंगी मक्खी तुम्हारे घर में आएंगी खाने में बैठेंगी बीमार होगी नहीं होगी तुम लोग वो नाम फार्म वारम सब भरे थे नाम ही नहीं आ रहा उनमें तुम लोगों ने हम आके बताया खड़े थे फार्म वारम छोड़ो तुम हमने हमें आके बताया कि प्रधान जी हमें लेटरिन बननी है यहाँ बनवा दो ठीक है इन्हें जाके बताना चाहिए यार अरे हमसे कह रहे थे प्रधान जी मेंबर को तो बताया था अरे यार मेंबर उसको बताया था उसने फॉर्म दिया था आपने तो हमें गांव को मेंबर तो वही है ना मेंबर तो वही है ना प्रधान आप वो मेंबर वो है तो यार जब तक बताओगे ना उसको बताया था ठीक है क्योंकि वो देखो हर आदमी ऐसा नहीं होता काम करते क्योंकि सरकार इतना पैसा दे रही है शौचालय के लिए बस आपको गौर करना आप तो ये देखिए गंदगी देखिए बस आप प्रधान जी यहाँ गंदगी देखिए मैं तो गंदगी देख के हैरान हूँ यहाँ पर देखो मैंने इनसे पहले बोला आप पानी का पीते थे उस गली का पानी पीते हैं मैं आपको पहले गंदगी दिखा दूं कि आप देखो आप पहले यहाँ गंदगी देख लीजिए थोड़ा सा आइए ये देखिए आप ये देखिए ये सब गंदी ये देखिए यहाँ भी एक लड़का बैठा हुआ था अभी यहाँ एक लड़का बैठा हुआ था वो सोच कर रहा था खुले मैंने उससे कहा वो कह रहा था कि मैं सभी लोग मेरे घर में खुले में सोच जाते हैं ये मैंने कहा यार ये तो नाइंसाफी हो रही है सब लोग यहाँ पर आओ बताते हैं आपको क्या करना है अभी जितने भी आप लोग जितने भी आप लोग हो सब लोग अपने आधार कार्ड ठीक है और डॉक्यूमेंट से हमारे ऑफिस में भेज दीजिए ठीक है वहां पर हम आपके लास्ट लिस्ट में नाम बनवा के भेज देंगे और आपका कल से काम शुरू हो जाएगा एक दिन आ लगे आपका 10 दिन में काम कम्प्लीट हो जाएगा 10 दिन में इनकी लेटरिंग कम्प्लीट हो जाएगी ना क्योंकि सरकार देखो इतना पैसा दे रही है आदमी बनवाना चाहिए क्योंकि आदमी सब उनको सालों खुले में आदत पड़ेगी खुले में जाएंगे खुले में करेंगे लेकिन इन्हें पता नहीं कि खुले में कितनी बीमारी पैदा होती है चले जो है आप लोग हाँ। समझदार लोग हो अच्छी पढ़े लिखे मतलब पढ़े लिखे हो कुछ लोग ठीक है सबको समझाओ कि देखो खुले में जाना बंद करो और घर में बनवा सोच ठीक है हमारी सरकार इतना साथ दे रही फिर भी अगर हमने इसका लाभ ले सके तो क्या मतलब इस सरकार का ठीक है तो सबको बोलो बाहर कोई नहीं जाएगा सबको रोक लगाओ ठीक है ना घर में शौचालय बनवाओ और सोच रहो ठीक है प्रधान जी मैं भी लेट हो रहा हूँ और आप इनके डॉक्यूमेंट्स जो भी है तो वो आप देख लेना उनको ठीक है ना 10 दिन में कह रहे हैं प्रधान जी लेटरिंग कब तक बन जाएगी लेटरिंग कब तक बन जाएगी बता दो जी 10 दिन में बन जाएगी 10 दिन लेटर में जाएगी पक्का कंफर्म बन जाएगी आप काम शुरू करो बाकी सरकार से पैसा मैं दिलाऊंगा आप लोगों को चलो ठीक ओके प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप आए आपके लिए यानी कि स्वागत है गेट तो खोल खोल लाओ अरे प्रधान साहब राम राम भैया राम राम ठीक हो गए तुम हाँ प्रधान जी तो बिल्कुल ठीक है एक नंबर और लेटरिंग बन गई तुम्हारे घर पे हाँ प्रधान जी देखो लेटरिंग तैयार हो गई आपको आशीर्वाद है प्रधान जी जो आपका हुआ सब भालो हमारा नहीं देखो सरकार का है ठीक है सरकार की सुविधा दे रही है बस हम देरी कर रहे हैं लेने में और देखो आज आप लोगों ने दी हिम्मत की तो आज आपके घर में लेटरिंग बन चुकी है गेट तो खोल धन जी गेट सही बनी है हाँ सही बनी प्रधान बहुत बढ़िया प्रधान जी जो तमाकू है खा रहे तमाकू हाओ
पहले खाते नहीं थे इसको यार? अरे 15 साल हो गई प्रधान जी खाद खाद छूटा ही नहीं रही, क्या कर तभी तुम्हारे गाल पिचकते जा रहे हैं। मानता ही नहीं प्रधान साहब जब 50 बार कही के ना खाओ खाए होता ही तू कतरे होता ही डरोले होता ही तू कतरे रात दिन टाइम पे घिसा आंसर होता है इससे मर जाओगे तुम। डॉक्टर साहब छूट नहीं रही। अरे प्रधान जी कछु पता नहीं पड़ा तो चाहे घिसा तरह चाहे कैंसर हो कछु हो जाए। अच्छा वह बहुत गर्मा इलाज बताओ घिसता है कैसे छूटे जा यार अपने पास रखो ही नहीं उसको कहाँ से खाने का मन होगा तुम्हारा बंद करो उसको ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर बजा दें कमेंट करें और हमारी हर बार वीडियो ऐसी एक नई नई आती रहेगी। हर हफ्ते आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें हर हफ्ते आप ऐसी वीडियो एक से एक वीडियो आपको मिलेंगे।